Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. So like 3 months ago, I shared a video where I shared my keratin treatment process with you guys. और वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे questions पूछे थे. And एक video मैं already कर चुकी हूँ keratin treatment Q&A के ऊपर और उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी questions पूछे. As I told you कि मैं और Q&A series लेके आऊँगी. So here I am. This is the second Q&A video of the keratin treatment. So without any further blabbering, let's get started. The first question is, I mostly heard that कि इसके बाद कुछ दिनों तक हेयर नहीं ट्राई कर सकते और केराटिन ट्रीटमेंट से हेयर डैमेज हो जाता है. सो प्लीज टेल मी द ट्रूथ. सो द ट्रूथ इज दैट, सबसे पहला क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, विच इज कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने के कुछ दिनों तक आप हेयर नहीं बांध सकते हैं. एग्जैक्टली, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. और कुछ दिनों तक आपको अपने हेयर को जितना ज्यादा आप बेंड फ्री रख सकते हैं वैसे रखना है. आपको कोई पोनी कोई चोटी नहीं बनानी है. और इवन सोते समय भी, व्हाट आई पर्सनली यूज्ड टू डू वाज कि मैं सोते समय कोई ना कोई कपड़ा बांध लेती थी सर पे ताकि उतना ज्यादा बेंड ना हो, और कुछ ना कुछ बिछा के सोती थी ताकि कम से कम फ्रिक्शन क्रिएट हो. और आई यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सोते सोते भी आई यूज्ड टू बी कॉन्शियस इनफ कि मैं अपने बाल बार बार सेट कर रही हूँ, बार बार स्ट्रेट कर रही हूँ. स्ट्रेट इन अ वे कि उसे सुलझा के मतलब बेड पे सीधा ले कर रही हूँ. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो स्टार्टिंग में आपको बालों को टाई बिल्कुल नहीं करना होता. टाई के आपको आपको कोई क्लिप्स भी नहीं लगाने, मतलब जस्ट इमेजिन आपके बाल अभी बिल्कुल फ्रेशली कोई आपने ट्रीटमेंट कराया है, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग वगैरह, तो स्टार्टिंग में आप उसको जैसा शेप देंगे वो वैसा ही आगे के लिए उसमें चेंजेस आ जाएंगे. लाइक इफ यू आर पुटिंग अ क्लिप ओवर हियर और यहाँ पर बेंड आ जाता है तो फिर हो सकता है कि वो बेंड परमानेंट सा क्रिएट हो जाए वहाँ पर, अगर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बेंड है. सो या दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नाजिया इज आस्किंग कि क्या आपके बाल परमानेंटली स्ट्रेट हो गए हैं. नो नाजिया, दैट इज नॉट द केस. इन केराटिन ट्रीटमेंट जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग होती है दैट इज मोस्टली इन केस ऑफ रिबॉन्डिंग. परमानेंट उसको भी नहीं कहेंगे, रीजन बीइंग कि आपकी जो न्यू हेयर ग्रोथ होगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी. दैट विल स्टिल बी द वे इट वॉज बिफोर, जैसे वो पहले थी वो वैसे ही रहेगी, इसलिए परमानेंट तो हम नहीं बोल सकते. लेकिन हाँ, जो जिन बालों पे आपने रिबॉन्डिंग कराई है वो वैसे ही रहती है काफी टाइम तक. लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के केस में जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है उस पर भी सिर्फ कुछ टाइम तक ही ये ट्रीटमेंट टिकता है. ये एक्चुअली एक वॉश अवे वाला ट्रीटमेंट है काइंड ऑफ. ये आपके बालों को एक्चुअली कोट कर देता है विद अ लेयर ऑफ केराटिन एंड अदर केमिकल्स जो कि आपके बालों को स्ट्रेट रखता है. और जैसे ही आप हेयर वॉश करते जाते हैं, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी से आप हेयर वॉश करेंगे, यानी कि जितने ज्यादा बार आप हेयर वॉश करेंगे वीक में, उतनी जल्दी जो है केराटिन ट्रीटमेंट वॉश अवे होता जाएगा. और जैसे ही पूरा का पूरा निकल जाता है आपके बालों से, आपके बाल कंप्लीटली पहले के जैसे हो जाएंगे. ऐसे भी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मतलब बहुत जल्दी वॉश अवे नहीं होते, लाइक स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग. और स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग से तो काफी कम इफेक्ट रहता है केराटिन ट्रीटमेंट का हमारे हेयर पे. सो या, केराटिन इज नॉट परमानेंट. सो नेहा इज आस्किंग कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद कौन सा शैम्पू यूज किया. नेहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वही प्रोडक्ट यूज करें जो कि हमारे स्टाइलिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो कि ज्यादातर वही सजेस्ट करते हैं जो कि फ्री ऑफ सल्फेट्स होते हैं और अदर केमिकल्स होते हैं जो बहुत जल्दी वॉश अवे कर देगा. होता क्या है, जो ये वाले शैम्पूज होते हैं जो हमें सजेस्ट किए जाते हैं आफ्टर दीज ट्रीटमेंट्स, ये बहुत ज्यादा माइल्ड होते हैं. ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ मतलब ये बिल्कुल नेचुरल या हर्बल होते हैं, ऐसा भी नहीं है. माइल्ड से इसका मतलब है कि ये आपके बालों को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है, ये आपके बालों को सॉफ्ट रखता है. और सबसे बड़ी बात, इट्स फ्री फ्रॉम ऑल द सल्फेट्स जो कि आपके बालों से प्रोडक्ट को बहुत जल्दी निकाल देगा अगर आप सल्फेट्स वाले शैम्पू यूज करते हैं. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वॉश अवे वाला ट्रीटमेंट होता है कि जितना ज्यादा आप वॉश करेंगे उतनी जल्दी आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो बालों से निकलता जाएगा. और अगर आप सल्फेट यूज करते हैं तो आपको 2 दिन वॉश में आपका लिटरली सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहली बात तो हम कम फ्रिक्वेंसी में वॉश करें अपने हेयर को, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस Q&A वीडियो. और जब हम वॉश कर भी रहे हैं तो हम वही वाले प्रोडक्ट्स यूज करें जो सल्फेट फ्री हों, जो कि आपको सजेस्ट किए गए हों. सो फॉर मी दिस वॉज द प्रोडक्ट दैट आई वॉज रिकमेंडेड बाय माई स्टाइलिस्ट. सो या, दैट इज वॉट आई यूज. अभिलाषा इज आस्किंग दैट ही कितने मंथ लास्ट किया. लाइक आई आंसर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, स्टाइलिस्ट ने बोला था कि ये सिर्फ 2-3 महीने ही टिकेगा, जो कि वो सिर्फ 2-3 महीने ही टिका. उसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 महीने बाद वो पूरे के पूरे सेम वैसे हो गए, नहीं, 2-3 महीने तक वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जो मैंने जैसे ट्रीटमेंट करवाया था वैसे ही रहे. लेकिन उसके बाद वॉश अवे होना शुरू हो गया. आई डिड इट इन नवंबर और ये अगस्त चल रहा है, ऑलमोस्ट 9-10 महीने होने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रेट मेरे बाल रहे 2-3 महीने तक, लाइक द स्टाइलिस्ट सेड. उसके बाद बाल अपने शेप में आने लग गए. प्रॉपर 6 मंथ के बाद जाके तो मतलब कर्ल्स विजिबल होने लग गए थे और अब तो कम्प्लीटली निकल चुका है. ये मैंने बालों पे अपना स्ट्रेटन कर रखे हैं अपने बाल. आई वॉज शूटिंग फॉर समथिंग सो आई स्ट्रेटन माई हेयर अ लिटिल बिट एंड नॉट अ लिटिल बिट,
So yeah, this is not the keratin treatment wala effect. So Madhuri is asking, I have completely curly hair, can I go for keratin? Would that be safe for my hair? Madhuri, it is very important what kind of product is being used on your hair. कौन सा प्रोडक्ट आपके बालों में यूज हो रहा है, कौन सा स्टाइलिस्ट आपका ये चीज परफॉर्म कर रहा है. यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज हों, अच्छे तरीके से किया जाए, पूरे सेफ प्रोसीजर के साथ किया जाए और आपके बालों से जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 1 centimeter का डिस्टेंस तो रखा जाए जब वो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं. मतलब जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन होता है वो रूट्स पे ना हो. ऑलवेज मेक श्योर और कीप री चेकिंग इट विद द स्टाइलिस्ट कि उनको बोले कि प्लीज मेक श्योर दैट इट डज नॉट टच द स्कैल्प. वैसे उनको पता होता है अच्छे से, बट स्टिल आप भी ध्यान रखें कि आपके स्कैल्प पे वो चीज टच नहीं हो रही है, बिकॉज डेफिनेटली इट इज ऑल केमिकल बेस्ड. इट मे हैव सम हार्मफुल केमिकल्स फॉर द स्कैल्प इटसेल्फ. बाल जो है वो सह जाते हैं बिकॉज बाल डेड होते हैं बेसिकली, बट द स्कैल्प इज नॉट डेड, राइट. किसी किसी को ऐसे ट्रीटमेंट्स अच्छे खास से सूट कर जाते हैं और किसी किसी को लिटरली उसके बाद काफ़ी हेयरफॉल हो जाता है. दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव और वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आप ऐसे करवा लो आपके बाल बिल्कुल, आपको कोई हेयरफॉल नहीं होगा या फिर आपको हेयरफॉल होगा. ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है डिपेंडिंग ऑन हाउ योर हेयर इज. सो नाउ यू हैव टू चूज इट कम्प्लीटली. आई वुड से रादर कि अगर आपके कर्ल्स हेल्दी हैं, अगर आपके बालों में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है एंड स्टिल थोड़ा बहुत कुछ करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं, देन यू कैन ट्राई इट आउट. बट अगर आपका मेरे वाला केस है जिसमें नथिंग वुड एक्चुअली वर्क, सो यू कैन गिव इट ट्राई मे बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चार्जेस थे? सो केटिन ट्रीटमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बींग यूज. सो 4000 का भी ट्रीटमेंट था, 5000 का भी था, 7-8000 का भी था. तो मुझे जो करवाना था दैट वॉज द ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट. ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली जो केराटिन ट्रीटमेंट को डिफरेंट नाम दिए गए हैं दैट इज बेस्ड ऑन द ब्रांड दैट इज बीइंग यूज्ड. जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं उस पे बेस्ड नाम होते हैं और चार्जेस होते हैं. लॉरियल का होता है, जीके का होता है और भी कुछ होते हैं. तो मैंने जो करवाया था दैट वॉज ब्राजीलियन. और सिर्फ ट्रीटमेंट के ही पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट का ही खर्चा आपको नहीं उठाना है, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बाद उसका भी खर्चा उठाना होता है और दैट इज ऑल्सो क्वाइट हैवी ऑन द पॉकेट. जनरली हमारे शैम्पूज कितने के होते हैं? जनरली हमारे शैम्पूज होते हैं 200-300-400 मैक्सिमम 500-600-700. लेकिन जो शैम्पू मुझे सजेस्ट किया गया था दैट वॉज फॉर अबाउट 1300-1400. ओवरऑल जो मुझे चार्जेस लग गए थे केटिन ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स मिला के दैट वॉज अराउंड 6-7000. सो या दैट इज द रफ अप्रॉक्सीमेट ऑफ हाउ मच वॉज चार्ज. और अगर आप इससे महंगा वाला करवाते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा कॉस्ट हो जाता है. सो रूपा इज आस्किंग, इज केटिन ट्रीटमेंट गुड फॉर थिन हेयर? लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट इज द पर्पज बिहाइंड एनी ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग फॉर. आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके पहले आप ये जानिए कि आपका मोटिव क्या है. लाइक फॉर मी द मोटिव वॉज टू रिड्यूस द वॉल्यूम, बालों का वॉल्यूम कम हो जाए थोड़ा, इतना ज्यादा पूफी हुए रहते थे मेरे हेयर बहुत ज्यादा, और वॉल्यूम हो जाए, बाल थोड़े स्ट्रेट हो जाए जो मतलब बहुत ज्यादा कर्ली और फ्रिजी हुए रहते थे हमेशा, और मैनेजेबल हो जाए. सो दैट वॉज माई रीजन लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो. बट अगर आपके ऑलरेडी बहुत थिन हेयर है, यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं देन योर हेयर वॉल्यूम विल रिड्यूस टू जीरो लिटरली. लाइक लिटरली मेरे ही बाल इतने ज्यादा फ्लैट हो गए थे स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा फ्लैट हो गए थे. एंड इफ दैट इज समथिंग दैट यू आर फाइन विथ देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. आई अज्यूम कि अगर आपके बाल थिन हैं और बाल है भी कम तो आपका वॉल्यूम ऑलरेडी कम ही होगा. सो अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इससे आपका वॉल्यूम और ज्यादा किल हो जाएगा. दैट कैन एक्चुअली लुक नॉट लुक वेरी फ्लैटरिंग, एज जरूरी है कि वो अच्छा लगेगा. सो यू हैव टू बियर दैट इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट लाइक दिस. So that's it for today, you guys. I hope that this video was helpful for you in any ways. And if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Or agar aapka koi bhi aur question hai, aap pooch sakte hain in the comment section below. I'll definitely be answering that. See you in the next video. Till then, bye-bye.